और अब बात करते हैं तीज के पर्व की। तीज का पर्व शनिवार को परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर नवविवाहिताओं के यहाँ सिंजारा भेजा गया, साथ ही महिलाओं ने लहरिया वस्त्र पहने। तीज से घेवर का भी पुराना नाता है और अलवर के बाजारों में मिठाई की दुकानों पर भीड़ लगी रही। वीर चौक स्थित विक्रेता रामलाल सैनी ने बताया कि तीज के अवसर पर घेवरों की खासी बिक्री हो रही है। घेवरों का सीजन अब की बार विशेष कुछ ज़्यादा ही रहा है। दरअसल क्या है, ये छोटे घेवर पूरे अलवर में सिर्फ मैं ही बनाता हूँ इस साइज में, तो ये एक विशेष ये कारण भी है कि ये घेवर कहीं में और कहीं नहीं मिलते। ये तीन नंबर घेवर सिर्फ मैं बनाता हूँ और इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिमांड है इनकी, क्योंकि ये क्वान्टिटी में नहीं बन पाते। दिन भर कारीगर बनाएगा तो 10 किलो ही बन पाएंगे, तो इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर असली देखा जाए तो इनकी पूर्ति भी नहीं हो पाई। बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम रहा आपकी बार, जो उम्मीद से जो काम था वो भी ज़्यादा रहा। क्या कारण रहा आपकी बार? कारण ये रहा कि आपकी बार 133 घेवर की बिक्री बहुत ज़्यादा रही, अधिक मास की वजह से 33 घेवर जो बिके हैं मंदिरों में चढ़ाने के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा बिक्री रही। दो महीने का सावन था अधिक मास था इसलिए। फिर दूसरी बात है, बांटने में सुविधा रहती है छोटे घेवर की और बजट में बैठ जाते हैं, इस कारण से इनका काम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। किस किस तरह के घेवर? मैं ये बनाता हूँ 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये 3 नंबर होता है और बड़ा वाला होता है 6 नंबर। वो मावे के घेवर वगैरह? मावे के बनाता हूँ मैं, देता हूँ ये छोटे वाले घेवर 720 रुपये किलो तो मीठे, 780 रुपये किलो मावे के और 1200 रुपये किलो फीके। तो फीके घेवर करीब 1 किलो के 40 चढ़ते हैं, मावा के घेवर 1 किलो के 12 चढ़ते हैं और मीठे घेवर करीब 1 किलो के 24 चढ़ते हैं। तो 12 मास मिलते हैं आपके यहाँ? और मेरे पास क्वालिटी है कि मैं घेवर छोटे वाले 12 महीने ही बेचता हूँ छोटे वाले के। सारे कैटरिंग वाले होते हैं जो सर शादी पार्टी में ले जाते हैं, मेरे यहीं से घेवर जाते हैं। आपकी बार सीजन किस भाव से मिल रहे हैं? छोटे घेवर मैं 1200 रुपये बेच रहा हूँ, बड़े वाले घेवर 1000 बेच रहा हूँ। शुद्ध देसी घी से बनाता हूँ। दूसरा ये है, मैं सिर्फ सरस घी काम में लेता हूँ और सरस में भी क्वालिटी कोशिश ये करता हूँ कि अलवर का ही मिले और डबल तलवार मैदा अच्छे से अच्छा बढ़िया घी अच्छे से अच्छा और बनाने में भी मतलब पूरी। दूसरी बात यह है कि मेरी कोशिश होती है मैं खुद बनाऊँ अपने हाथ से। लगभग कितने सालों से कर रहे हैं आप ये काम? मेरी ये देसी घी की दुकान 5 साल से है, बाकी मेरे सामने बड़ी दुकान है और वनस्पति घी की दुकान है, वो मेरी दुकान 50 साल पहले से है।